एक बात मुझे बताइए कि कल को अगर कोई भी सड़क छाप आदमी इस माइक को उठा लेगा तो क्या वो चौथा स्तंभ हो जाएगा? आज बताइए आप मुझे सवाल का जवाब कि एक पत्रकार जो छोटे से चैनल में एंकरिंग किया करता था, आज इतना बड़ा चैनल और सेटअप कैसे खोल के बैठा? आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी या किस नेता का हाथ है? बताइए काहे का चौथा स्तंभ भैया? किसने आपको और परमिशन दे दिया कि आप पत्रकार हो तो आप नंगा नाच नाचो सड़कों पर? रिपब्लिक भारत पे दिखाया जा रहा है कि उन्हें बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया। एक बात मुझे ये बताए, रिपब्लिक चैनल के वो पत्रकार, दलाल पत्रकार जिन्हें ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि के वो पत्रकार, जब बहन को उस बेटी को जलाया गया रात को, कौन सी आईपीसी, कौन सी आर्टिकल के तहत जलाया गया? सारे के सारे भाजपा के ही नेता अर्णब गोस्वामी के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा देश के चौथे स्तंभ में जंग लगाने का कार्य इस भाजपा ने कराए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के चौथे स्तंभ को गिराया है। जीडी बख्शी जैसे सेना के अधिकारियों पर लानत है, पुष्ट है भारत, और जीडी बख्शी अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों पर अथूक्त है भारत। आज बोलता हूँ खुले चैनल में, हम लोग जाते थे न्यूज चैनल में, 5,000 रुपए लेकर इनको बिठाल कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जलाया जाता है। सबसे बड़ी कानूनन कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए। कारण है ये चैनल, ये पत्रकार के बिके हुए पत्रकार, ये दलाल पत्रकार देश के चौथे स्तंभ को शर्मिंदा कर दिया, इसमें जंग लगा दी। शर्म आती है आज इनको चौथा स्तंभ कहते हुए, क्योंकि ये चौथे स्तंभ नहीं सिर्फ कमाई का जरिया है। पंकज जी, अर्णब गोस्वामी को पुलिस घर गई, उनको गिरफ्तार की, उन्हें थप्पड़ मारा, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते, निंदा करेंगे इसकी? सबसे पहले मुंबई पुलिस का जो चेहरा साधुवाद का चेहरा है उसके लिए धन्यवाद। देश के सबसे बड़े नफरती जहर घोलने वाले दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई होती है, इसके लिए हम मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे देश की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे पत्रकार जो दो कौड़ी के दलाल पत्रकार जो भाजपा के आईटी सेल की तरह पूरे देश को जलाने का काम करते हैं, ये नमक हराम नमक हलाल पत्रकार जब देश में बिहार के मजदूर पैदल आ रहे होते हैं उस पर नहीं संज्ञान लेता है। जब पुलवामा की घटना होती है तो उसकी बात नहीं की जाती है। क्यों नहीं डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई होती है, इसका डिबेट चलाया जाता है। क्यों नहीं बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो, इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाता है? यह अपने आप को गैंगस्टर की तरह दिखाता है। ड्रग दो, देश की जनता भूखे मर रही है, लोग कहते हैं कि खाना दो। ऐसे पत्रकारों को, ये तो जैसे पहले राजा महाराजा भांप रखते थे, ऐसे ही अर्णब गोस्वामी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकार भाजपा की सरकार में अपना अस्तर गिरा लिया। उसी भांप की तरह सारे दिन 24 घंटा, 12 मास 30 दिन एक ही कहानी है, कैसे मोदी जी की गुणगान की जाए, कैसे मोदी जी की गुणगान की जाए, ऐसे काम चलता है। थप्पड़ मारना आपको नहीं लगता कि चौथे स्तंभ पे काहे का चौथा स्तंभ भैया? किसने आपको और परमिशन दे दिया कि आप पत्रकार हो तो आप नंगा नाच नाचो सड़कों पर? किसने रोजगार दिया? मतलब आपको मुंगेर की घटना पर खबर दिखाने का समय नहीं था? आप लोग इतने निर्लज्ज और बेशर्म हो गए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग, क्यों आप लोगों को दीमक और जंग खा गया? आप उस समय नहीं दिखाए, ये वही बिहार की धरती है जहां चुनाव हो रहा है, दुर्गा जी का पूजा नहीं हो सकता है, प्रतिमा विसर्जन नहीं होगा, उस समय जलियांवाला बाग नहीं था जब भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड की नेता के नेती आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह वहां जलियांवाला बाग की डायर बन रही थी, तो आप उस पर खबर नहीं दिखाएंगे? मोहित जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, थप्पड़ तक मार दिया, आपको नहीं लगता है चौथे स्तंभ पे हमला है ये? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का छात्र हूँ, मैं भी आईपीसी जानता हूँ, मैं भी आर्टिकल जानता हूँ। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत पे दिखाया जा रहा है कि उन्हें बिना नोटिस के अरेस्ट किया गया, एक बात मुझे ये बताए, रिपब्लिक चैनल के वो पत्रकार, दलाल पत्रकार जिन्हें ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि के वो पत्रकार, जब बहन को उस बेटी को जलाया गया रात को, कौन सी आईपीसी, कौन सी आर्टिकल के तहत जलाया गया? जब बिहार के मुंगेर में माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन करने वाले लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और ऑन द स्पॉट वो बेटा, वो बच्चा मर जाता है, कौन सी आईपीसी, कौन सी आर्टिकल के तहत मारा गया उसे, बताइए? मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी संविधान को मानने वाला हूं, मैं भी कानून को मानने वाला छात्र हूं, मैं भी तो जानूं कि वो कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल है। ये एक बात मुझे बताइए कि कल को अगर कोई भी सड़क छाप आदमी इस माइक को उठा लेगा तो क्या वो चौथा स्तंभ हो जाएगा? है 24 घंटे आप भाजपा की गुलामी करने वाले लोग, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जब
ब्राह्मणों को मारा जाता है तब आपके मुंह पे ताला लग जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब आपके मुंह पे ताला लग जाता है। बिहार के मुंगेर में मूर्ति की विसर्जन को करने वाले लोगों को जब मारा जाता है तब आपके मुंह पर ताला लग जाता है। जब सरेआम एक बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी जाती है तब आपके मुंह पे ताला लग जाता है। और जब इस देश के अंदर पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों की नौकरी जाती है तब इनकी हलक से आवाज नहीं निकलती, आखिर तब क्यों अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकारों का गला सूख जाता है? और बताइए, सुनिए, आज बताइए आप मुझे सवाल का जवाब कि एक पत्रकार जो छोटे से चैनल में एंकरिंग किया करता था आज इतना बड़ा चैनल और सेटअप कैसे खोल के बैठा? आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी या किस नेता का हाथ है? बताइए, मनोज तिवारी इतने मजदूर मर गए और क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हैं तो कोरोना है में कि जनता आज साथ में है। नहीं सुनिए, और आज मनोज तिवारी इसके पक्ष में बोल रहे हैं, आज मनोज तिवारी बताएगा कि देश में कौन कौन साथ है कौन कौन नहीं है। मैं देश में रहता हूं, मैं नहीं हूं अर्णब गोस्वामी के साथ, मैं नहीं खड़ा, बिल्कुल नहीं खड़ा। इसलिए नहीं खड़ा कि जो मेरे मजदूरों के लिए नहीं बोला, जो मेरे मूर्ति प्रतिमा को विसर्जन करने वाले लोगों के लिए नहीं बोला, जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोला, जो इस देश के अंदर मजदूर सड़क पे मर गए उनके लिए नहीं बोला, मैं उसके लिए नहीं बोलता। और मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई करी है बिल्कुल सही करी है। एक बात मुझे बताइए, आज लालू जी जेल में है, आपने नहीं नहीं आप सुनिए, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर थे हम उसको किसी पार्टी के नजरिए से नहीं देखते, जिस तरीके से पी चिदंबरम को ले जाया गया क्या ये बदला नहीं था? इस बात का जवाब दे, क्यों नहीं ले जाया गया जेल में? आज मुकुल राय खुले सांड की तरह सड़क पे घूम रहा है, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी, उसको लेकर एक बार भी इसकी हलक से आवाज नहीं निकली। एक बात मुझे बताइए, हरियाणा का गृह मंत्री बोल रहा है, हरियाणा में किसान को लेकर इसकी आवाज नहीं निकली। सारे के सारे भाजपा के ही नेता अर्णब गोस्वामी के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा देश के चौथे स्तंभ में जंग लगाने का कार्य इस भाजपा ने कराए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के चौथे स्तंभ को गिराया है। और मनोज तिवारी हो चाहे भाजपा का हरियाणा का गृह मंत्री हो, हम किसी के साथ नहीं खड़े। मनोज तिवारी बताएगा हम तो नहीं है, हम दोनों में से कोई भी साथ नहीं है। और देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्णब गोस्वामी के साथ नहीं है, बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही, साथ समर्थन में है। आप मुंबई पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं लेकिन उनका आरोप यह है कि ये मुंबई पुलिस जो है सोनिया गांधी के सारों पे काम कर रही है। ये इतना मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गया, सबसे पहले भाजपा के सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर के साथ पार्टनर है, यह किसके साथ है? ये क्या अंग्रेजों की विक्टोरिया की गुलामी करने वाले अंग्रेजों के दलाल मुखबिरों के साथ है? क्या ये ब्रिटिश के साथ मिला है जो देश में नफरत का जहर घोल रहा है? इस दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को ये नहीं दिखता कि पुलवामा की घटना में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? बड़ी बड़ी मुच्छे रख लेने से मर्द नहीं हो जाता। जीडी बक्सी ही इस चैनल में क्यों आता है? यही जीडी बक्सी जब बिहार का बेटा डिबेट में बैठा हुआ था उसको गाली दिया था, तो क्या बिहार चुनाव में बिहार की जनता उसका बदला नहीं लेगी? मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि देश की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। मनोज तिवारी के बात का बपौती है पूरा देश? बिल्कुल नहीं है। मनोज तिवारी जी बिल्कुल नहीं साथ में है, यह साथ में नहीं है, किसान बहुत से लोग नहीं है साथ में। घर में बैठ के सारा नजारा आप ही देख लीजिएगा, घर वाली के घर नहीं, भद्रोइया वाली के घर। आपको कौन मनोज तिवारी? जो मनोज तिवारी की झुग्गी में सोता था दिल्ली चुनाव में, जो प्रधानमंत्री जी लगातार कहते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां जेपी नड्डा कहता था, तारी पार कहता था, हरदीप सिंह पुरी कहता था, विजय गोयल कहता था, हर्षवर्धन कहता था, तो उन झुग्गी वालों के लिए कहानी दिखाता है भैया। सरकार की जवाबदेही थी उनके घोषणा पत्र पर काम करना चाहिए जो बिहार की बोली लगा कर गए थे। सबसे बड़ी बात है जीडी बक्सी जैसे, सुनिए, जीडी बक्सी जैसे सेना के अधिकारियों पर लानत है, पुष्ट है भारत, और जीडी बक्सी अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों पर अथूक्त है भारत। जीडी बक्सी जी आपको इन चूड़ियों की जरूरत है, अरे आप इतने बेशरम हो गए, सत्ता की चाटुकारिता करते करते शर्म नहीं आती? आप कहीं सेना के जवान पुलवामा घटना में शहीद हुए थे, एक बार भी इस दो कवि के लुच्चे लफंगे मुच्छर को शर्म नहीं आई? कभी इसने नहीं कहा होगा? आप सुनिए,
कभी नहीं कहा होगा कि पुलवामा घटना की जांच होनी चाहिए। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा में पदस्थापित था जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था। अगर नहीं पकड़ा गया होता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। मोहित जी सुशांत, एक बात, एक मिनट रुकिए। जावड़ेकर ने बोला है कि मैं हमले की निंदा करता हूँ। आपकी हलक से तब निंदा की आवाज नहीं आती जब मुंगेर में उस बच्चे को मार दिया जाता है, कौन सी आईपीसी के तहत। और सुनिए, आज बोलता हूँ, खुले चैलेंज में हम लोग जाते थे न्यूज चैनल में, 5,000 रुपए लेकर इनको बिठाल कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जलाया जाता है। सबसे बड़ी कानूनन कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए। 5,000 रुपए किस बात के दे रहे हैं? देश को जलाने के लिए। आप ये बताइए, अगर कोई सुशांत के मुद्दे पे इंसाफ की बात करे कि कोई चैनल, और या फिर कोई उस पे चाहे कि उसे को इंसाफ मिले तो उसका छज्जा तोड़ दिया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे थप्पड़ मारे, कहां तक शिवसेना जो एक बात मुझे बताइए, सुनिए, अभी बिहार का चुनाव है तो सुशांत नजर इन्हें आ रहा है। एक बात मुझे बताइए, मुंगेर का वो बच्चा जो मारा गया, क्या वो बिहार का नहीं था? जो मजदूर मरे वो बिहार के नहीं थे? पुलवामा के अंदर बिहार रेजिमेंट के जो जवान मरे वो बिहार के नहीं थे? एक अकेला सुशांत बिहार में रहता है क्या? इतने सारे मजदूर मर गए ट्रेन से, हलक से आवाज नहीं निकली। बिहार के अंदर इतनी सारी घटनाएं हो गई। बिहार में मूर्ति प्रतिमा को विसर्जन करने वाले बच्चे को आपने मार दिया। कैसे मारा पूछता है भारत, और इन पे रिपब्लिक भारत जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। और आपको एक बात बता दूं, प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे बीजेपी का हरियाणा का गृह मंत्री हो, चाहे मनोज तिवारी हो, इन जैसे लोगों के बहकावे में अब ये देश नहीं आने वाला है। और बिल्कुल सही गिरफ्तारी, और इनके ऊपर कड़े से कड़ा मुकदमा किया जाना चाहिए। इसके लिए देश पूरा महाराष्ट्र के साथ है, महाराष्ट्र सरकार के साथ है। पंकज जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में वो पूरा समर्थन में कह रही है कि निंदा करते हैं इस बात की, पूरी पूरी भाजपा अभी लाइव आई हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, क्या कहेंगे भाजपा? अरे भैया, तो जैसे कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ता है, कुत्ता बिलबिला के काटने लगता है। अर्णव गोस्वामी को तकलीफ मान लीजिए हुआ, सही कार्रवाई हुई, तो भाजपा के नेता क्यों बिलबिला रहा है भैया? भाजपा के नेता उस समय क्यों चुप होता है जब देश में तमाम बेरोजगारी के मुद्दे हैं, देश आर्थिक मंदी में गुजर रहा है, जब पीएम कोरोना जैसे महामारी में हजारों करोड़ रुपए के फ्लाइट खरीद रहे हैं, देश में भुखमरी है, सेना पर तनाव है, सरहद सुरक्षित नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर डिबेट नहीं चलाएगा? तो भाजपा सरकार का आवरण का काम करता है रिपब्लिक भारत, और भाजपा के अंदर की तरह काम करता है रिपब्लिक भारत, तो भाजपा के लिए तो बौखलाएंगे ना। जब उनका पर्दा हटा लीजिएगा, चेहरा बेनकाब होगा, तब बिलबिलाएगा नहीं। लेकिन थप्पड़ मारना कहां पे सही? थप्पड़ मारना मारना था भाई, थप्पड़ की बात कर रहे हैं, चला रहे हम आपका शरीर नहीं तोड़ेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। देश सुभाष बोस का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, वो दिन दूर नहीं जब इन चैनल वालों को देश की जनता सजा देगी। जी क्या कह रहे थे आप? एक बात बताइए, आपको थप्पड़ नजर आ गया, ये बताइए मुझे, आप पत्रकार कहते हैं ना, चलिए आप ही मुझे बता दीजिए कि जब उसको गोली मार दी, आप तो थप्पड़ पे अटके हुए हैं, और देश के अंदर आंतरिक दंगों को बढ़ावा देने वाला ये रिपब्लिक भारत का चैनल है। और बिल्कुल सही, अभी तो थप्पड़ मारा है, लोगों के तो बच्चे उनके सपूत चले गए। कारण है ये चैनल, ये पत्रकार के बिके हुए पत्रकार, ये दलाल पत्रकार, देश के चौथे स्तंभ को शर्मिंदा कर दिया, इसमें जंग लगा दी। शर्म आती है आज इनको चौथा स्तंभ कहते हुए, क्योंकि ये चौथे स्तंभ नहीं सिर्फ कमाई का जरिया है। कभी किसी पत्रकार पे कार्रवाई होते देखिए कहां से आ गया? एक बात बताइए, 10,000, 20,000, 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में कैसे चढ़ जाता है? कभी इनके खिलाफ इनकम टैक्स ने रेड करिए? करिए इन सभी पत्रकारों के घर में, जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं, जो भाजपा के आईटी सेल, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं, आखिर जांच करिए कि इनके पास ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी कैसे आती है, कैसे फरारी और जैगुआर आती है? देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, देश के अंदर के लोग भूखे मर रहे हैं, और ये देश में दंगे कराते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू रिपब्लिक भारत, शेम ऑन यू। क्या माना जाए कि ये एक शुरुआत हो गई है, वैसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन जैसे पत्रकारों पे और चैनल पे कार्रवाई का वक्त आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये संजोग की बात है। देश की आजादी के समय ऐसे पत्रकार नहीं थे, दोगरी के लुच्चे लफंगे पत्रकार, नहीं तो देश आजाद नहीं हुआ होता। ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं? आजाद भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। स्टील इंडिया पार्ट टू की सरकार के बारे में कभी नहीं बताती कि ये सरकार जानबूझकर देश की संपत्तियों को बेच रही है। एयर इंडिया बेचकर अपने लिए विमान खरीदा जा रहा है,
गौतम अडानी के हवाले देश किया जा रहा है, मुकेश अंबानी के हवाले किया जा रहा है, पौने दो करोड़ बाबा रामदेव के हवाले किया जा रहा है जो भाजपा के पार्टी फंड में चंदा देता है। आज रविशंकर प्रसाद जी का भी गले से हलक से जबान निकल आई जब देश की जनता को जबरन, जब आप एक बात देखिए अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है और दूरसंचार कंपनियां जो पार्टी फंड में चंदा देती है 28 दिन का रिचार्ज होगा, जब लाइफ टाइम कनेक्शन मिला है तो हर महीने रिचार्ज कराने की क्या जरूरत है भैया, इस पर डिबेट क्यों नहीं होता है, आखिर इस सब बातों का दोषी कौन है, ये पूछता है भारत और भाजपा आरएसएस के नेता और ये रिपब्लिक भारत जैसे भाजपा के आईटी सेल के लोग पर थूकता है भारत इन बेशर्मों पर। सुनिए आप एक बार इस बात को देख लीजिए, पूरा देश समझने का प्रयास करिए कि सिर्फ भाजपा के ही मनोज तिवारी और रिपब्लिक भारत पे बोलने वाले ही और भाजपा के अलावा कोई भी व्यक्ति ने अब तक बयान नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग इनकी चाल और साजिश को, मतलब आप लोगों का कहना है कुल मिला के यही है कि जनता इसके खिलाफ है और जनता बिल्कुल सिर्फ भाजपा इनके सहयोग में है, भाजपा सहयोग में है और कोई नहीं है, और इस देश के ऐसे पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि क्षमा करिए, ऐसी पत्रकारिता को बंद कीजिए, लगाम लगाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पत्रकारों की बात पर इन चैनल पे कोई यकीन नहीं करेगा और ये कहेंगे कि माँ की कसम खा के कह रहा हूं इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होगा। देखिए कोरोना महामारी में भाजपा के तमाम नेता बिलों में गुफों में छुपे हुए थे, आज सारे बिल बिल करके बाहर निकल रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। आखिर क्यों, इतनी मेहनत अगर आप देश के मजदूरों के बारे में किया होता तो ये धूप में मजदूर मर नहीं रहे होते, ट्रेन के पटरियों पर कट नहीं रहे होते, बैल बनकर चल नहीं रहे होते, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म नहीं दे रही होती, 13 साल की बेटी साइकिल चलाकर घर नहीं आ रही होती, वो बेटा बिहार का अपने कंधे पर अपनी मां को बनारस होते हुए लेके नहीं आ रहा होता। कहां थे बेसर में भाजपा के नेताओं, तुम अर्णब गोस्वामी के लिए बिल से बिल मिलाकर निकल गए जैसे तुम्हारे बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया, शर्म करो। चलिए ये कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है, ऐसी ही कार्रवाई देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों और मुंबई पुलिस के साथ में है। चलिए पूर्ण रूप से चलिए आप लोग समर्थन करते, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी और पंकज जी।